नागपुर महामेट्रो द्वारा की गई नौकरी भर्ती पर सवाल निर्माण करते हुए मांगा स्वर्गीयों पर हुए अन्याय के विरोध में जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार व सचिव अरुण वनकर के नेतृत्व में आज से मेट्रो भवन के सामने संकलनशन किया जा रहा है। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा आंदोलनकारियों द्वारा कहा गया। जय जवान जय किसान संगठन की ओर से नागपुर महामेट्रो में हुई नौकरी भर्ती से मांगा स्वर्गियों पर हुए अन्याय का विरोध करते हुए अन्य मांगों को लेकर संकल आंदोलन किया गया है, जिसमें संवैधानिक आरक्षण के अधिकार के साथ धोखा करने वाले महामेट्रो के सभी उच्च अधिकारियों को कड़ी शिक्षा की जाए, महामेट्रो की रोजगार भर्ती की जाँच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जाँच कमेटी का गठन हो, साथ ही भर्ती किए गए मांगा स्वर्गियों को छोड़कर बाकी पदों पर भर्ती गए सभी की पद भर्ती बर्खास्त की जाए, इन मांगों के साथ आज से आंदोलन किया गया है। मैं अरुण वनकर सेक्रेटरी जय जवान जय किसान संगठन। नागपुर महामेट्रो हमारे भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उपक्रम है, तो सरकारी उपक्रमों को हमारे संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना होता है, उसके तत्वों को अमल में लाना होता है। हमारे संविधान ने आरक्षण का अधिकार दिया SC ST OBC EWS, तो क्या महामेट्रो द्वारा इसको अमल में लाया गया? हमारे अध्यक्ष प्रशांत पवार साहब के ने आपके सामने आंकड़े रखे कि कैसे अन्याय मांगा स्वर्गियों पर किया है। अब सवाल यह है कि हम 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं, मंत्रियों को निवेदन दिया, आमदारों को निवेदन दिए, और हम बड़ी गंभीरता से ये सब काम किए। मंत्रियों ने लेटर लिखे, और लेटर लिखने के बाद क्या बृजेश दीक्षित ने इन लेटरों को कचरों के टोकनी में डाला? जय जवान जय किसान संगठना के मार्फत जो साखी उपोषण आज से शुरू किया गया है, हमारे संगठन के सचिव अरुण वनकर साहब ये आज साखी उपोषण पे बैठे, तो ये 8 दिन तक के ये बैठेंगे। बाकी भी हमारे संगठन के बहुत सारे लोग आके यहाँ पे कोविड का पालन करते हुए 5-5 लोग डेली बैठेंगे, और उसके बाद में अगर बृजेश दीक्षित इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये आमरण उपोषण के ऊपर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन आंदोलन ये बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें अभी कोई डाउट नहीं, अभी कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ जो भ्रष्टाचारी कारपोरेशन के अधिकारी है, जिन्होंने हमारे आज ये साखी उपोषण के लिए पेंडॉल की परमिशन नहीं दी, लेकिन जो बाकी लोगों से 500 रुपये पर डे का जो क्या ठेले वालों से बोलो या दूसरे लोगों से जो पैसा लेके उनको जो परमिशन देते, वो हम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए हमको परमिशन उन्होंने दी नहीं, इसलिए उनका हम निषेध करते हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा, ऐसा भी आंदोलन के दौरान जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार व संस्थापक सचिव अरुण वनकर द्वारा कहा गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।